आपको किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, आप निराश हो गए, कॉन्फिडेंस एकदम आपका लो हो गया, तो फिर दोबारा से कैसे उठ के खड़े होगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, हमेशा इंस्पायर्ड कैसे रहें, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप बाहर से किसी को देखकर या सुनकर इंस्पायर्ड तो हो जाओगे, लेकिन फिर से कोई इंसान या फिर कोई सिचुएशन आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देगा। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना या हमेशा मोटिवेटेड रहना ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। लाइफ में अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई या फिर चार लोगों ने मिलकर आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो वही दिमाग में घूमता रहता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है पूरा। और वैसे भी हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्ट कैसे क्या करके मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा। जैसे रात में एक हॉल में आपको खड़ा कर दिया जाए और सभी लाइटें ऑफ कर दी जाए और अब आपको बोला जाए कि बाहर आओ, तो यहां पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। लेकिन अगर सभी लाइटें ऑन हो तो यहां पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इजी है, सहज है आपके लिए, आप आराम से बाहर निकल सकते हो। इसलिए अपने अंदर क्लैरिटी लाओ हर चीज को लेकर, चाहे सक्सेस हो या कुछ और, इससे सब कुछ आपको सहज लगेगा। तो कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहने का सवाल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ऊपर की चीज आपने हासिल कर चुकी होगी, क्लैरिटी।